हुआ क्या इसको ये बताओ। एक तो पानी गिर रहा नाक में से है। तो बात में अजवाइन को तोड़ दियो ना तो गिरे पानी। अच्छा अजवाइन सुंगाई है ना। हाँ। क्या हुआ शुरू से बताओ। शुरू के मायने में बुखार बहुत तकड़ो 107। अच्छा तो 6 दिन तक लगातार बुखार टूटे को नहीं। 6 दिन तक बुखार नहीं टूटा है। बुखार बोलते अच्छा। एंटीबायोटिक ऐड करता लगा और एक वो भी लगा दिया। अब जे बंद गिरा ने तो काल को बुखार मार लगा वापिस आ गया। कहीं कम है। कम है बहुत क्वांटिटी बिल्कुल ही। अच्छा 104 के नीचे को नहीं। अच्छा बार गैप पोजीशन गैप होनी लेकिन तो गैपिन है कि गैपिन है 7 महीने की। 7 महीने की गैपिन है ना। चारा पूछ कुछ भी नहीं खा रही है। हाँ। कितने दिन से नहीं खा रही है। 8 दिन है। 8 दिन से खाना पीना बिल्कुल भी बंद है। हाँ। तो एक बार टेम्परेचर लो देखें। यही बांधते हो क्या रोज। जब आप बांधो बार बांधो एक बार टेम्परेचर ले लेते हैं क्या स्थिति है। अभी टेम्परेचर लेने से ही पता चलेगा क्या कंडीशन है। तो इंजेक्शन लगभग कितनी बार लग गए। इंजेक्शन लगाएंगे 7 बार। 7 बार इंजेक्शन 7 दिन में। हाँ। मोरे यार बहुत इंजेक्शन तो भाई खूब लग गया इसको। अब तो बिना इंजेक्शन के ही ठीक करना पड़ेगा इसको। बांधो देखे नजदीक कर लो आगे के पैर भी बांधो। थोड़ी घट भी हुई। पैरों से तो खैर टाइट होगी होगी। और कोई लक्षण जैसे आंखें लाल होना नहीं, या नहीं, नहीं। कभी कंपन करना ऐसा कुछ नहीं है ना। कंपन बोले काल मामूली है पट्टू पहन पगे ने यहाँ से कंपन कर रही थी कल। काल काल मामूली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे नाक पे तो पसीना भी है और पानी आपने अजवाइन की धुई दी तो आया है। बिल्कुल सुको नाक। अच्छा जी मतलब इन्हें टाइट करो टाइट करो टाइट करो। बुखार है ना। हाँ हाँ परेशान तो होती है ना यार। परेशान तो होती है। आप ऐसा करो इसको खींच के पकड़ के खड़े हो जाओ बस। आगे से खींच के और पकड़ के ही खड़े हो जाओ। आगे। हाँ खड़े हो जाओ। कितने महीने क्या बने। 7। 7 महीने क्या बने ना। 27 के जाए बराबर। हम्म। अच्छा जी सर। तबरे तो ऐसे क्या कर रहे हो। जुगाली वगैरह तो कर रही है ना। जुगाली तो कर रही है ना। 5 मिनट करे 2 मिनट करे बस कभी कभी करती है थोड़ी बहुत। मामूली बुखार उतरा ना। हाँ तो मामूली झाड़ लावे बस। और खिला क्या रहे। अरे क्या हुआ गाड़ी हटानी पड़ेगी क्या। नागे लियो अरे उसको क्या सौंपा है यार ले लेगा वो। अच्छा इन्हें वो भी आई होगी राय को भी काल तो वो इन्हें बता रही हो काली। अच्छा क्या बताया। काला जीरी 150 ग्राम। अच्छा 150 ग्राम काला जीरी। उनको ग्याबिन के लिए नहीं कहा क्या आपने। देखियो कहते भाई ग्याबिन है ग्याबिन को काला जीरी कैसे दे रहे। हाँ यार बढ़िया काम किया। एक ही दिन अब मत देना क्योंकि देखो हमें बच्चे को भी सुरक्षित रखना है और इसको भी सुरक्षित रखना है। गोबर कैसा किया अभी। गोबर 2 दिन कल सुबह गिरो शाम गिरो शाम पूरा मलो जलमस आ गए। आज मतलब चिकट है वो। हाँ गिरो गोबर वहाँ सुबह तो अभी दिखा सकते हो क्या। अभी नहीं मिलता है। हाँ हाँ काट दे मैं एक काम करो पहले तो राजू भाई बच्चे को चेक करना जरूरी है क्योंकि इतने इंजेक्शन लग गए और काला जीरी और दे दी है। तो पहले बच्चे को चेक करो सही है या नहीं है। आंखें तो लाल नहीं है ना। तो चेक करियो। चेक किया कि सही था क्या। हाँ सही हो। अगर चेक किया है तो कोई तकलीफ नहीं है। हाँ परसों चेक करियो। परसों चेक किया है तो फिर बाकी कोई डिस्चार्ज वगैरह तो आ नहीं रहा है कोई तांते वगैरह। कल है परसों है ना मामूली मल दिया रे चेक रहे हो मामूली एक मल आयो वाइट। अच्छा एक मल आया एक ही मल आयो। हाँ हाँ थोड़ी सी सूजन भी आई देवर पे लेकिन एक बाद में कोई नहीं आई। तो कोई ठंड वगैरह के इंजेक्शन उन्होंने लगा दिए होंगे और क्या।
है ना, ये थनों पे जो तनाव है वो इतना ही है, इससे ज्यादा कम तो नहीं हुआ था ना, एकदम इतना ही है, बाकी कम ही हुआ है, बाकी ज्यादा नहीं हुआ। चलो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है भाई, चेक की हुई है परसों की तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। कोई तकलीफ नहीं है, देखो इसको है ना प्रोटोजोअन इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, प्रोटोजोअन इन्फेक्शन हुआ है, एकदम से ठीक हो जाएगी ये। आपको इसको कहीं पेड़ के पास में लेना पड़ेगा, इसका ब्लड थोड़ा निकालना पड़ेगा हमें, ब्लड निकाल करके और जांच करेंगे, हैं? नहीं यहाँ ले लो, नीम के पास, यहाँ नहीं जाएगी वैन, क्योंकि पेड़ के बगैर तो निकलेगा नहीं, जुगलर वैन या गर्दन वाली वैन से इसमें से निकालना पड़ेगा, और ब्लड निकाल करके और जांच करने के लिए भेजेंगे ना, तो क्या रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा, और एकदम से तैयार हो जाएगी, आप मान के चलो बिल्कुल रेडी एकदम, क्योंकि ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन ही हुआ है। जांच वांच तो की नहीं आपने, करवाई नहीं है ना? हम्म, क्यों अब इंजेक्शन मारने का पार्टी खत्म हो गई अब? बोलिए बोलिए, कुछ खत्म नहीं होगी यार, जाओ और क्या करे भाई, आपने तो कह दिया खत्म होगी, तो अब जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप छोड़ो, बिल्कुल तैयार हो जाएगी, आपके यहीं रहेगी, बच्चा भी सुरक्षित रहेगा, बस हमें सही तरीके से काम करना पड़ेगा बस थोड़ा सा। तो खंबे के पास ले लो फिर, और क्या पेड़ नहीं है तो वहाँ नाड़ी, यहाँ तो पूरा कांटे कांटे पड़े, बट आपने बाड़म बोल्ड, हाँ पेड़ के ले लो, पेड़ के लेना सही रहेगा, क्योंकि पेड़ के ले लोगे ना, हाँ इतनी बात जब हो गई है कि इतने चार डॉक्टरों ने कह दिया ये जाएगी, तो यार इसको तैयार करना जरूरी है भाई, ये तो आप इज्जत का सवाल ही मान लो। राजू भाई ब्लड निकालो और आज ही इसकी रिपोर्ट लेकर के, और जो भी है इसको जो भी प्रोटोजोआ, जैसे थाइलेरिया हो सकता है, ट्रिपेनोसोमा हो सकता है, बबेसिया हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, 7 दिन से बुखार नहीं टूटा है तो कोई सा भी हो सकता है। दोस्तों कंप्लीट हिस्ट्री आपने सुनी, अब आप अपने दिमाग से, चलो जांच तो आएगी तब आएगी, लेकिन अपने दिमाग से बताएं कि इस भैंस को क्या हो सकता है, आपको क्या लग रहा है, इतने इंजेक्शन इतनी दवाइयाँ इसको लगी हुई है, तो जल्द से जल्द अपना दिमाग लगाएं और जल्द से जल्द कमेंट करें, क्योंकि शुरुआती कमेंट हम ले पाते हैं, कई भाई जो है वो 4-4 घंटे बाद जिनका कमेंट आता है, हो सकता है वो रह जाए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। तो जल्द से जल्द कमेंट करें ताकि अगला वीडियो आपके लिए शानदार लाया जा सके। और आपकी एक छोटी सी परीक्षा ले रहा हूं, जिसने भी गौर से इस वीडियो को देखा है वो प्लीज़ ये बताएं कि इस भैंस का टेम्परेचर कितना आया था?